हेलो एवरीवन, कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ में जो टॉपिक डिस्कस किया था, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ पेंटास्टेरॉस, इसमें हमने कल इसकी ओरल एंड एवरल सरफेस के बारे में बताया था कि जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है के डायग्राम को डिस्कस किया था। ओरल सरफेस में माउथ, एम्बुलेटरी ग्रूव्स, एम्बुलेटरी स्पाइन्स, टिब फीड्स, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एवरल सरफेस में डॉर्सल ट्यूबरकल्स एंड एनस प्रेजेंट। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पेपर सेकंड के अंतर्गत आपका न्यू टॉपिक, जो कि शॉर्ट नोट में काफ़ी पूछा जाता है, पेडिसिलराई ऑफ फेंटासिलरस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पेडिसिलराई, जो पेडिसिलराई होती हैं, इसमें टू टाइप की होती हैं, एक स्ट्रेट और दूसरी क्रॉस टाइप की। स्ट्रेट वाले जो होती हैं वो फॉर्सेप जैसे होती है, फॉर्सेप के समान होती हैं, और जो क्रॉस्ड होती हैं वो सीजर लाइक होती हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है स्ट्रेट टाइप, जो पेडिसिलराई है उसका डायग्राम है, और ये क्रॉस्ड टाइप का। स्ट्रेट टाइप में आप देख रहे हैं स्ट्रेट और क्रॉस दोनों टाइप में, ये जो इसकी आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, इसके अंदर ये जॉज प्रेजेंट होते हैं। नीचे की तरफ एबडक्टर मसल्स यहाँ पर फॉरवर्डेड होती हैं, या फिर क्रॉस पोजिशन में होती हैं, और ये साइड में एडक्टर मसल्स, और यहाँ पर एडक्टर मसल्स ये जॉज से लगी होती हैं क्रॉस पोजिशन में। ये इसकी बेसल प्लेट्स होती हैं, ये वाली जो पोर्शन है ये स्टॉप। इसकी जो एबडक्टर मसल्स हैं, ये वाली और ये वाली, जब इन मसल्स में एक्सटेंशन यानी जो इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है उसके द्वारा ये पेडिसिलराई बंद होती हैं, और जब ये जो एडक्टर मसल्स हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तब इनकी ओपनिंग होती है। जैसे कि सीजर होती हैं, सीजर आप कैंची समझते हैं, कैंची को हम इस तरीके से खोलते हैं, बंद करते हैं, तो ये जो मसल्स हैं इसको पेडिसिलराई को खोलने तथा बंद करने में हेल्पफुल होती है। बात करते हैं पेडिसिलराई। सी स्टार में बॉडी की डोर्सल एवं वेंट्रल दोनों सतह पर स्पाइन की तरह सूक्ष्म पिंसर या जबड़े युक्त रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पेडिसिलराई कहते हैं। मतलब जो आपका पेंटासिलस है उसकी वेंट्रल एंड डोर्सल दोनों ही साइड से, ओरल एंड एवरल दोनों सरफेस जो हैं उस पर पिंसर, पिंसर का मतलब है पिन लाइक, मतलब जो कांटे होते हैं या चिमटी होती है उसके समान जबड़े युक्त रचनाएं पाई देखी जाती हैं, जिनमें की जॉज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं को ही पेडिसिलराई कहते हैं। यानी जो पेंटासेरस है या ओरिएस्टर है उसकी डोर्सल एंड वेंट्रल साइड्स पर पिंसर लाइक रचना है, जिनमें की जॉज प्रेजेंट होते हैं, पेडिसिलराई कहलाते हैं। डॉर्सल सतह पर पाए जाने पर यह रचनाएं स्पाइन तथा गिल्स के बीच में पाई जाती हैं। जो डॉर्सल सरफेस है उस पर यह रचनाएं स्पाइन तथा गिल्स के मध्य में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, वेंट्रल साइड पर यह है रचनाएं
सॉरी बेंटर साइड पर ये रचनाएँ मोबाइल मूवेबल स्पाइंस के बेस पर जुड़ी रहती हैं, मतलब इसमें मूवेबल होती है, इसमें मूवमेंट होती है, उसके बेस पर जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक पेडिस लड़ाई में स्मॉल या लंबा मजबूत एवं फ्लेक्सिबल स्टॉक पाया जाता है जिसमें कई आंतरिक कैलकुलेटर सपोर्ट जिसमें कोई आंतरिक यानी इंटरनल कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं पाई जाती है। मतलब जो भी पेडिस लड़ाई है, चाहे वो आपके स्ट्रेट टाइप की हों या क्रॉस टाइप की, दोनों में ही स्टॉक मौजूद होगा जिसके द्वारा ये एपिडर्मिस से अटैच रहती हैं। इसमें कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कोई भी सपोर्ट नहीं होता। स्टॉक के दूरस्थ यानी डिस्टल छोर पर तीन कैलकेरियस प्लेट पाई जाती है, यानी स्टॉक का जो दूर वाला सिरा होता है उस पर तीन कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट्स पाई जाती हैं, जिसमें से एक बेसल प्लेट कहलाती है। इस बेसल प्लेट से मूवेबल अटैच्ड दो जॉज पाए जाते हैं। अभी हमने डायग्राम में दिखाया था, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये तीन प्लेट्स हैं, ये बेसल वाली, ये अपर वाली। ये जो बेसल वाली है, बेसल वाली पर ही अपर वाली जो प्लेट्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, कैलकेरियस होती हैं, ये इस पर अटैच रहती हैं, इस पर टिकी रहती हैं। जिसमें से एक बेसल प्लेट चलाती है, इस बेसल प्लेट से मूवेबल अटैच दो जॉज पाए जाते हैं। अतः स्टॉक युक्त तीन कैलकेरियस प्लेट युक्त पेडिस लड़ाई को टेंटाकुलेट या फर्सिफुलेटेड की पेडिस लड़ाई होती है, इसको कि टेंटाकुलेट या फर्सिफुलेटेड भी कहते हैं। प्रत्येक पेडिस लड़ाई अत्यंत संवेदी एक्टोडर्म द्वारा लैंड होती है। मतलब जो प्रत्येक पेडिस लड़ाई है वो कैसी होगी, अत्यंत संवेदी होती है, संवेदनाओं को एक्सेप्ट करती है, और इक्टोडर्म के द्वारा जो इसकी इक्टोडर्म लेयर होती है उसके द्वारा लाइन होती है। प्रत्येक पेडिस लड़ाई में दोनों जॉज दो प्रकार की मसल्स के द्वारा खुलते एवं बंद होते हैं। मतलब जो पेडिस लड़ाई है इसके जॉज से दो प्रकार की मसल्स लगी रहती हैं, ये मसल्स जॉज को खुलने एवं बंद होने में सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं, जिनमें टू पेयर एडक्टर मसल जॉज को बंद होने तथा वन पेयर एबडक्टर मसल के द्वारा जबड़े खुलते हैं। मतलब इसमें टू पेयर एडक्टर होंगी और वन पेयर एबडक्टर होंगी। एबडक्टर होंगी वो खोलने का कार्य करेंगी और एडक्टर बंद करने का। आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एडक्टर वाली मसल्स हैं, वन पेयर एक इधर और एक इधर, ये टू पेयर क्या इनका क्या काम है, जबड़े को बंद करने का, और ये वाले जो हैं इनका काम है जबड़े को खोलने का। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेडिस लड़ाई। पेंडिस लड़ाई की टाइप्स की बात करें तो ओरिएस्टर या पेंटेक्रोस में सी स्टाफ में दो प्रकार की पेंडिस लड़ाई पाई जाती है, जिनमें एक स्ट्रेट टाइप की होती है, दूसरी क्रॉस टाइप की। स्ट्रेट टाइप की बात करें, यह है स्ट्रेट सिंपल टाइप पेंडिस लड़ाई है। इसमें दोनों जबड़े अपने पूर्ण लंबाई में एक दूसरे के समांतर रूप से प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसके जो स्ट्रेट टाइप में होगी जो दोनों जॉज होंगे वो एक दूसरे के समानांतर प्रेजेंट होंगे, लाइक फोर्सेप्स, जैसे कि चिमटी होती है या फोर्सेप्स होती है उसके समान ये दिखते हैं।
दोनों जबड़े बेसल प्लेट से मूवेबली आर्टिकुलेटेड होते हैं, दोनों चौच हैं उससे मूवेबली ये आर्टिकुलेटेड होते हैं या लगे होते हैं। दोनों जबड़े जब बंद होते हैं तो वे एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं, मतलब जब ये बंद होंगे तो एक दूसरे के समानांतर स्थित होंगे। अभी मैं डायग्राम देखता हूँ, इसमें आप देख रहे हैं ये जो जॉज हैं एक दूसरे के समानांतर पोजीशन में अटैच हैं, लगे हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप क्रॉस टाइप। इस प्रकार की बटरफ्लाई में दोनों जॉज के बेसल एंड यानी जो बेसल वाला सिरा होगा, बेसल प्लेट वाला सिरा होगा, वो कैंची की तरह सीजर्स की तरह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे कि सीजर होती है कैंची होती है उसकी तरह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसके कारण बेसल प्लेट क्रॉस पोर्शन के नीचे छिप जाती है। जब बेसल प्लेट होती है जहाँ पर एक क्रॉस पोर्शन बनता है वहाँ पर ये बेसल प्लेट दोनों के कटने वाले मतलब दोनों जहाँ पर अटैच होते हैं क्रॉस पोजिशन में, वो वाली जो पोजिशन है वहाँ पर बेसल प्लेट पीछे की तरफ छिप जाती है, जिससे कि बेसल प्लेट हमें नहीं दिख पाती है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये इस तरीके से क्रॉस की फॉर्मेशन करता है, जैसे कि सीजर होती है इस तरीके से ये क्रॉस टाइप पैटिस लगाए इसमें प्रेजेंट होती है। आज हमने ये सी फर्स्ट ईयर में पैटिस लगाई ऑफ ओरिएस्टर पेंटस रोज को डिस्कस किया, कल हम में वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन सी स्टार या ओरिएस्टर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।